हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे, आपके घर पे भी सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आप सबका त्यौहार भी अच्छा मन गया होगा। फ्रेंड्स, मेरा भी सही मना है, पर इतना अच्छा नहीं मना क्योंकि कुछ दिक्कत हो गई थी, इसकी वजह से सही नहीं मना। फिर भी हाँ, फैमिली के साथ आके अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। फ्रेंड्स, आप भी अपनी फैमिली के साथ अच्छा ही मना रहे होंगे। और क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आज मैं जाने वाली हूँ, मैं आपको ब्लॉग पूरा शूट दिखाऊंगी, जाने का, आने का, और क्या कहते हैं अपने ससुराल का, सब घर वगैरह भी दिखाऊंगी, आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। आप भी मेरे को देखिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हम यहाँ से डोर हटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम झाड़ू वगैरह लगाएंगे, इसलिए हम अलग जगह पे बांधेंगे। पहले हम पानी पिलाएंगे इनको क्योंकि निहार खा के पानी पीती हैं, जैसे हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, ऐसे फ्रेंड्स इनका भी यही है। ये देखिए हमारे यहाँ पे डोर वगैरह बनते हैं, और क्या कहते हैं ये हम सभी सुबह सुबह साफ वगैरह करते हैं क्योंकि सफाई भी जरूरी है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ साफ सुथरा होना चाहिए। आप भी अगर आपके घर में भी डोर है तो आप भी ऐसा करते होंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरी जो जिठानी की लड़की है छोटी वाली, इनका काम यही है, बाहर का करना और बड़ी वाली का काम है अंदर का काम करना, जैसे खाना वगैरह बनाना, क्योंकि बहुत घर बड़ा है, गाँव में तो वैसे भी घर बड़े बड़े होते हैं, तो इसीलिए काम बटा हुआ है सबका अलग अलग है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, बस हम झाड़ू लगा रहे हैं, जल्दी जल्दी काम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए मेरी छोटी बेटी। फ्रेंड्स, मेरे घर का काम, वो बाहर का काम हो गया था जहाँ ढोर बनते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया था। अब घर का दिखाती हूँ। घर का तो हमने थोड़ा बहुत कर लिया था, फिर भी चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो ज़्यादा फैल जाता है, शहर की तरह ऐसा नहीं है कि रसोई में उधर की उधर करना। ये है कि गाँव में ये होता है, चूल्हे पर हम बनाते हैं तो चूल्हे से सामान ले कर आते हैं तो वही ज़्यादा फैल जाता है, तो वही मैं आपको दिखाऊँगी, घर का पूरा व्यू आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हम घर का काम कर रहे हैं, ये देखिए रसोई में बर्तन, देखिए हमारी छोटी सी रसोई है। पहले लोग बाग ऐसे ही बनाते थे, ज्यादा अच्छा नहीं बनता था, तो वही पहले की तरह बना हुआ है। कुछ पैसे की वजह से हम बना नहीं पाए, मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा हो जाए तो हम अच्छा सा ये घर बनाए, नहीं तो घर तो बहुत बड़ा है पर वही है कि पैसे की वजह से अभी बन नहीं पा रहा है। ये फ्रेंड्स देखिए, ये दूध दूध वगैरह की बाल्टी है, सब हम यहाँ पे रखते हैं क्योंकि हम यहाँ पे बर्तन साफ़ करते हैं। और ये कमरा है हमारा, ये छोटे वाले का कमरा है, और क्या कहते हैं तीन कमरे बने हुए हैं, और क्या कहते हैं तीनों में सामान रखा हुआ है। बस हम अपना सामान सही से कर रहे थे, और झाड़ू, गाँव में तो पोछा वगैरह लगता नहीं है क्योंकि कच्चा है, तो हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं और सामान तो सुखनाते बेड वेड। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं नहाने जा रही हूँ और मैं दिखाती हूँ आपका, मेरा जेठ का लड़का क्या कर रहा है, और मेरी मतलब काम वाम हो गया है, बस हम जाने की तैयारी करने वाले हैं, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाहर का तो दिखा दिया था आपको झाड़ू वगैरह लगाते हुए, बस अब ढोरों को नहला रहे हैं। फ्रेंड्स, अब मैं नहा के और तैयार होके आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, हमने सोचा कि हम जाने से पहले मौनी बाबा के दर्शन कर आएँ, तो मैं, मेरी जिठानी और मेरे जेठ का लड़का गया था मौनी बाबा के दर्शन के लिए। और मौनी बाबा देखिए, ये मौनी बाबा के भक्त हैं, मतलब कि मौनी बाबा तो समाधि ले चुके हैं, उनके बाद यही करते हैं, तो ये दूसरे आश्रम में रहते थे फ्रेंड्स, फिर ये वाले ये आश्रम में आ गए, तो इन्होंने कहा था मुझे चाय बनाने के लिए, तो बस मैं चाय बना के ला रही थी सबके लिए। देखिए इनकी ये रसोई है, और ये सब छोटी ही रसोई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है फ्रेंड्स। तो मैं चाय बना रही थी और मेरे जेठ का लड़का मेरी वीडियो शूट कर रहा था, मैंने कहा था उनको दिखाने के लिए फ्रेंड्स को कि रसोई कैसी होती है, और सारा आश्रम की फ़ोटो मैं लेके आई थी दिखाने के लिए। बस ये देखिए, हम चाय बना के ले आए, बस मैंने दे दिया बाबा को पीने के लिए, और बाबा हमें कुछ बता रहे थे कि क्या कहते हैं तुम इतनी सी चाय बना के लाई हो, मैं ज़्यादा नहीं लाई क्योंकि फ्रेंड्स दूध भी बहुत कम था और उस दूध को बचाना भी था, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लाई। ये देखिए मेरी जेठानी मंदिर में, जो साईं बाबा के मंदिर है उसमें झाड़ू लगा रही हूँ, वहाँ पे सेवा करते हैं, ऐसे जिनका भी मर्जी हो वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे खाना बना सकते हैं उनके लिए मंदिर। देखिए मैंने मौनी बाबा के आपको सब कुछ दिखा दिया, आश्रम वगैरह भी दिखा दिया है। और फ्रेंड्स, इस मंदिर की ये खासियत है कि यहाँ पर एक लड़की आई थी, मतलब 4-5 साल की लड़की होगी, ज़्यादा छोटी थी, और वो मरी हुई हालत में आई थी, और आधे घंटे में ही माँ बाप ने इनको मंदिर के पास लेके आए, आधे घंटे में ही वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई, और पूरा आश्रम की वीडियो वो बना के लेके गई है, इसलिए मैं आपको ये मंदिर दिखाना चाह रही थी। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही ज़्यादा विश्वास, अगर विश्वास करो तो हर चीज़ पे विश्वास है, और नहीं करोगे किसी पे तो किसी पे भी विश्वास नहीं है फ्रेंड्स। और मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और
मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये छोटी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी फ्रेंड्स, इसलिए मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। और मैं गाज़ियाबाद आ चुकी हूँ फ्रेंड्स, जब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे।